तो देखिए गाइस, मैंने इस बाटी में ले लिया है थोड़ा सा ऑयल। हिमालया ऑयल मैं यूज़ करती हूँ। तो मैंने बॉटल इसलिए नहीं दिखाई है क्योंकि मेरा बेटा वो बॉटल ले लेता है और वो नहीं छोड़ता है और वो उसका ढक्कन खोल देता है। तो मैंने इस बाटी में ही वो ऑयल ले लिया है। हिमालया लेती हूँ मैं। तो आप चाहे तो कोई भी ऑयल ले सकते हैं। नारियल तेल ले सकते हैं, तिल का तेल ले सकते हैं, डाबर लाल तेल ले सकते हैं, कोई भी ऑयल ले सकते हैं। अच्छा, बच्चे के लिए हिमालय ऑयल ले सकते हैं और बच्चे की मालिश करते हैं। पहले हम उसके चेस्ट पर मालिश करेंगे और छाती से लेकर नीचे पेट तक उसे अच्छी तरह से मालिश करनी है। लेकिन बच्चे को कभी भी ज़्यादा जोर से हाथ पर उसके जोर से लगा मालिश नहीं करनी है। धीरे धीरे हाथों से ही, अपनी उंगलियों से ही मालिश करनी है। तो देखिए, मेरा बेटा खड़ा हो गया मालिश करते समय। अभी वो बड़ा हो गया है तो अभी ठीक सरा से मालिश करने नहीं देता है। वो सोता नहीं, मतलब ठीक से बैठा नहीं रह सकता है। तो देखिए, अभी तो दौड़ने भागने लगा है वो। तो इसी तरह से मुझे मालिश करनी पड़ती है। लेकिन अब बच्चा मेरा बड़ा हो गया है तो मैं अब हर रोज़ तो मालिश नहीं करती हूँ। 2-3 दिन या 2-3 दिन 4 दिन में एक बार मालिश करती हूँ उसकी। तो अभी वो चलने लगा है, भागने लगा है, तो रोज़ मालिश नहीं कर पाती। हाँ, रोज़ मैं शाम को सोते समय, उसे सुलाते समय पैरों की मालिश कर लेती हूँ। क्योंकि रात को जब वो, अब तो वो चलने लगा है तो उसके रात को पैर दर्द करते हैं। तो मैं बस पैरों की मालिश रात को थोड़ी सी कर लेती हूँ। बाकी पूरे शरीर की मालिश तो मैं कभी कभार, मतलब 2-3 दिन में एक बार ही करती हूँ अभी तो। तो देखिए, ये मैंने छाती पे मालिश कर ली और फिर उसके बैक साइड पे मालिश की है और अभी ये पैरों की मालिश कर रही हूँ मैं। पैरों की मालिश में पहले तेल लगा कर ऊपर की तरफ पहले मालिश थोड़ी सी करनी और फिर नीचे की तरफ अपने घुटनों से ऊपर की तरफ हमें हाथ ले जाना है और फिर हमें नीचे से अभी अपने हाथ को नीचे लेकर आना है। उसी तरह से मालिश करनी है। ये देखिए, मैं ऊपर की तरफ ले जा रही हूँ और फिर नीचे से नीचे की तरफ ला रही हूँ। तो उससे क्या होता है कि वो हम बहुत ज़्यादा चलते हो तो हमें कैसा वो पैर में भारी हो जाते हैं। तो बच्चों को भी ऐसा ही होता है, उसके पैर बहुत भारी हो जाते हैं, दुखने लगते हैं। तो वो सब अपना ब्लड सर्कुलेशन अच्छी तरह से ये फिरता है। तो फिर मैं ऐसे उंगलियों में उसकी मालिश करती हूँ और नीचे तलिए में भी मालिश करती हूँ अभी। तो देखिए, इस तरह से आप अपने बच्चे को मालिश कर सकते हैं। तो अच्छी तरह से आप मालिश कीजिए। बहुत ज़्यादा जोर नहीं लगाना है। आपको लगेगा कि मैं जोर लगा रही हूँ, लेकिन नहीं, मैं हल्के हाथों से ही मालिश कर रही हूँ। सिर्फ तेल लगाते समय ही थोड़ा सा हम जोर लगाएंगे क्योंकि, और घिसते समय हम धीरे धीरे से करना है। बच्चे को पर ज़्यादा दर्द नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए, इस तरह से हमें मालिश करनी है शरीर में। अभी तो ये देखिए बहुत दिक्कत आती है। बड़े जब बच्चे हो जाते हो तो मालिश करने में बहुत दिक्कत आती है। छोटे होते हैं तो हम अच्छी तरह से मालिश कर पाते हैं उनकी। तो ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो था, तो मैंने सोचा चलो ये आपको एक बता ही देती हूँ। मैं अब छोटे बच्चे की मालिश आपको देखनी है तो मैंने पहले एक वीडियो बनाया हुआ है, तो आप वो ज़रूर देख लीजिए और फिर उस तरह से आप मालिश, मैंने 2 वीडियो बनाया है तो उस तरह से आप मालिश कर सकती हैं अभी। और लाइट की थोड़ी दिक्कत आ रही है यहाँ पे, तो माइंड मत कीजिएगा और पूरा वीडियो देखना। ये देखिए, मैंने अब हाथों की मालिश की है। आप देखेंगे तो ही आपको मालूम पड़ेगा। मैं अभी बताऊंगी तो आपको कैसे, वो देखिए मैं किस तरह से मालिश करती हूँ। वो ये ऊपर की तरफ हमें ले जाना है तो बच्चे को दर्द ज़्यादा नहीं होगा। ये देखिए, इस तरह से हमें मालिश करनी है पूरे हाथों में, पूरे शरीर की मालिश। और जब भी मालिश करते हैं तो बच्चे थोड़ी देर में अच्छे से नींद ले लेते हैं। तो मैंने इसे नहलाया नहीं, नहला सेने से पहले ही हमें मालिश कर लेनी की है। और मालिश करने से
पहले थोड़ा खाना नहीं खिलाना है बच्चे को। खाना खिलाने के बाद या आप जो भी दूध देती हो या नाश्ता देती हो उसके घंटे भर के बाद हमें मालिश करनी है। सुबह सुबह में मालिश करते हैं तो घंटे भर के बाद मालिश कीजिए, क्योंकि खाना खाने खिलाने के बाद तुरंत मालिश हम नहीं कर सकते। और मालिश करने के बाद बच्चे बहुत अच्छी नींद लेता है, सो ही जाता है। अभी देखिए मेरे मालिश की ना, तो फिर मेरा बेटा सो ही गया है अभी तो ये देखिए, ये इस तरह से मैं ये मालिश, देखिए मेरा बेटा अभी खड़ा हो जाएगा, इसे ऐसे मैं सुलाती हूँ तो वो सोता ही नहीं है। तो आप जे धीरे धीरे से ये देखिए, मैंने अभी अब मुँह पे मालिश करूँगी, हाथ पैर में हो गई है। और ये देखिए उसके नोज़ पर भी मालिश करना है, तो उसे सर्दी या कुछ भी हुआ हो तो उसका नाक नोज़ खुल जाएगा। देखिए ये सारे चेहरे पर, और धीरे धीरे से करनी है, मैं धीरे से कर रही हूँ, लेकिन ये देखिए बच्चों को पसंद ही नहीं आता है कोई उसके मुंह को हाथ लगाए, वो रोने ही लगते हैं। मेरा बेटा भी बहुत चिल्लाता है। ये देखिए इस तरह से मैंने मुंह पर भी मालिश कर ली है, और ये अभी थोड़ी थोड़ी सी एक्सरसाइज करवाती हूँ मैं अपने बच्चे को, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी सी हम करवा लेते हैं उसके हाथों की और पैरों की। ये इस तरह से मैं ये उसकी एक्सरसाइज करवाती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं। ये देखिए उसे भी बहुत अच्छा लगता है, उसे एक्सरसाइज करवाती हूँ तो वो बहुत खुश हो जाता है, हंसने लगता है ज़ोर ज़ोर से। तो देखिए आप सब, और इस तरह से आप अपने बच्चों की मालिश कर सकते हैं। तेल कोई भी ले सकती हैं आप, और जब बच्चा छोटा हो, एक साल के अंदर हो, तो आप बच्चे को नाभि में थोड़ा सा बादाम का तेल डाल दीजिए, ज़्यादा नहीं, एक बूंद जितना ही बादाम का तेल उसकी नाभि में डाल दीजिए। तो क्या होगा कि उसकी याद शक्ति बहुत अच्छी रहेगी। मैंने जब मेरा बेटा छोटा था, मतलब एक साल के अंदर था, मैं अभी भी डालती हूँ कभी कभी, लेकिन अभी मेरा बादाम का तेल ख़त्म हो गया है तो मैंने आज नहीं डाला है। अब तो बादाम का तेल आप एक बूंद जितना बादाम का तेल उसकी नाभि में डाल दीजिए, और बादाम के तेल से ही सिर पर मालिश कीजिए, तो बच्चे की याद शक्ति बहुत अच्छी रहती है, बहुत अच्छी बनती है याद शक्ति, सब ऐसा बोलते हैं मेरे दादी, वो सब ऐसा कहते हैं और मैं भी ऐसा करती हूँ। ये देखिए बच्चे की मालिश हो चुकी है, तो अभी मैं उसे थोड़ा टी शर्ट पहना दूँगी और फिर सुला दूँगी, थोड़ी देर में वो सो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ।